नमस्कार बुलेटिन को स्वागत मु स्मृति लग्न प्रथमे हेडलाइंस आसुचि बात्या गभीर अवपातर रूप नेला पूर्व बंगोपसागर सृष्ट लघुचाप 26 तारीख संध्यारे छुई पारे स्थलभाग आंध्र व दक्षिण ओडिशा को सतर्कता प्रबल वर्षा संभावना बन्या स्थिति भूस्खलन ने जिलापालक सह कथा हेले एसआरसी मुंडुली बोट दुर्घटना एजाए मिलनी निखोज ओड्राफ जवान का पत्ता गत कालीठू निखोज अच्छा सीताराम मुर्मू सपटे मुंडुली ब्यारेज में फसी हाथी मिलूना पत्ता आज पिपिली प्रचार मैदान को ओह्लैबे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान उत्तरा छक आरंभ की प्रचार अभियान राज्य कार्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म वार्षिकी में श्रद्धांजलि ज्ञापन कले केन्द्रमंत्री व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन साक्षात गणतंत्र मूल्यबोध रक्षा पाई दुई देश प्रतिबद्ध कहले मोदी बाइडेन कोविड क्वाड क्लाइमेट प्रसंग को नहीं गुरुत्वपूर्ण आलोचना क्वाड बैठक एकाठी हेले चारि राष्ट्रमुख्य हिंद प्रशांत महासागर में सहयोग बढ़ावा क्षेत्र में हेला आलोचना विश्व शांति और समृद्धि प्रसंग उठाइले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलविदा अरिंदम पंचभूत विलीन हेला युव सांबादिक अरिंदम दास पार्थिव शरीर केन्दुझर जिला पैतृक गांव रायकळा शोकाकुल परिवेश काली ओड्राफ बोट दुर्घटन होता मृत्यु संपूर्ण खबर को आसवा पूर्व केन्द्रीय बंगोपसगर में सृष्टि होता लघुचाप क्षेत्र आगामी 12 घंटे अधिक घनीभूत हो गभीर अवपात में परिणत होवार संभावना अच्छी गत 6 घंटे यह 14 किलोमीटर बेगर उपकूल मुहां हो भुवनेश्वर आंचलिक पानीपा केन्द्र पक्ष सूचना दीजाई अवपात एवं गोपालपुर ठारू पूर्व और दक्षिण पूर्व को 580 किलोमीटर दूर में अवस्थित रही तेरे कलिंग पतन पूर्व को 660 किलोमीटर दूर से यह केन्द्रीभूत होसंता काली संध्या दक्षिण ओडिशा व उत्तर ओडिशा व उत्तर आंध्र प्रदेश यह अतिक्रम कर संभावना रही बात्या गोपालपुर व विशाखापाटना अतिक्रम करपे यार प्रभाव में राज्यर केतेक अंचल आज 28 तारीख भितर प्रबल वर्षा होपे प्रबल वर्षा बन्या को आखिआगे रखी प्रभावित होगा जिलार जिलापा सतर्क सूचना जारी कर स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर प्रदीप जेना वर्षा और यार परवर्त स्थिति बन्या भूस्खलन पवन जनित क्षयति सजग रही निर्देश देते स्थिति रोचे मुख्यतः भाव गत कालीर जो घूर्णिबल था बंगोपसगर अंचल आज पूर्व केन्द्रीय बंगोपसगर अंचल प्रभाव में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि जहाँ अनुमान आगामी 12 घंटे यह आहरी घनीभूत होवार संभावना रोचे और परवर्त 48 घंटे ओडिशा उपकूल अंचल को यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर संभावना रोचे ता छड़ा आम मौसुमी जनित निम्नचाप रेखा जहाँ राजस्थान जैसलमेर बाहरी आमर डाल्टनगंज दीघारु दक्षिण पूर्व दिगरे यह पूर्व केन्द्रीय बंगोपसगर जाए जो लघुचाप क्षेत्र अंचल पर्यटन लंबी यह प्रभाव में जो रोज मौसुमी जनित निम्नचाप रेखा प्रभाव में आगामी 24 घंटे ओडिशार किसी जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा संभावना थी येलो वार्निंग जारी कर डे टू में जितेबाड़ लघुचाप क्षेत्र ओडिशा उपकूल अंचल को प्रवेश करते बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा और किसी जिला 6 जिले में प्रबल वर्षार संभावना थी येलो वार्निंग जारी कर ये जो लघुचाप क्षेत्र सर्वाधिक प्रभाव आम 26 और 27 तारीख में पड़ेगार संभावना रही 26 तारीख में ओडिशार अधिकांश स्थान में हालुकार मध्यम धरण वर्षा सहित पाखापाखि 5 जिले में अति प्रबल वर्षा अर्थात 12-20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा गोटे दुई स्थान संभावना रही पुरी खोर्धा गंजाम गजपति और कंधमाल से 10 जिले में प्रबल वर्षा पर येलो वार्निंग जारी कर छड़ा 27 तारीख में आम दक्षिण ओडिशार जिला गुड़िक वर्षार प्रभाव अधिक रहा
संभाव्य वर्षा और बात्या प्रस्तुति एसआरसी निर्देश पर प्रस्तुति आरंभ कर गंजाम जिला प्रशासन समस्त बात्या आश्रयस्थल समेत स्कूल गृह कम्युनिटी हॉल गुड़िक प्रस्तुति बात्या प्रभावित आशंका अंचल गुड़िकर सरकारी कर्मचारी निर्देश देते गंजाम जिलापाल समुद्रकूलिया और नदीकूलिया अंचल पर स्वतंत्र ध्यान देवा तहसिलदार मानू आवश्यक पड़े से स्थानांतरित हो स्कूल बात्या बन्या आश्रयस्थल सफा सुतरा रखापी हेडक्वार्टर के ही छाड़े ना रविवार सोमवार बेलाभूमि बारण रही काली हमें स्पेशल बुलेटिन तीन जो पाई तानुसार एक डिप्रेशन सृष्टि होमर बैब बेंगल रे और तार जो विंड स्पीड रहा मैंने आज ही तो 50 to 60 एंड गस्टिंग टू 70 डीप डिप्रेशन आज हेबार चांसेस अच्छी इट विल कंटिन्यूड टुमारो डे आफ्टर टुमारो अल्सो और मैंने काली 70 to 80 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड रहबार चांसेस अच्छी गस्टिंग टू 90 तो एक साइक्लोनिक स्टॉर्म भाया सिचुएशन सृष्टि हेबार चांसेस अच्छी ए बाबद अधिक आलोचना करने गोपालपुर आम प्रतिनिधि पीतांबर नाहक अच्छा पीतांबर जहाँ आशंका करा जो बात्या सृष्टि होवार आशंका रही वर्तमान किभली देखती आपण प्रस्तुति को ताछड़ा बेलाभूमि किभली भाव लोक सचेतन करा सी समुद्रकूलिया लोक कहतु जो मैंने समुद्र भितर को जाती नुलिया मैंने से किभली भाव सतर्क कर स्मृति लग्न निश्चित भाव जितेबले लघुचाप जनित वर्षा बा साइक्लोन को लेकिन वर्तमान समय रे गोटे खबर आसुच्छे गत काली राति 10 जिला प्रशासन जिलापाल अध्यक्षतार गोटे भिसी करा जाइथिला सेठी जेंबली भाबरे जिलार प्रत्येक ब्लॉक अधिकारी एवं जल संपद विशेष करके जल संपद विभाग अग्निशम अधिकारी जल संपद अधिकारी समस्ते जोग देते जे जेंबली भाबरे विशेष भाव चिकिटी पात्रपुर पहाड़िया अंचल एवं पुरुषोत्तमपुर आसिका जो ऋषिकूलिया नदी जा से नदीकूलिया अंचल को प्राधान्य दि जाऊँगी विशेष भाव जो भाव जदिओ नदी पा जदि पशे निश्चित भाव सहर भितर को पशिपे अंपटे मुझे मत कहते जो गोपालपुर दृश्य कौन रही मो सहयोगी शुभेन्दु कहबी से गोपालपुर दृश्य टिके देखाइबे वर्तमान समय जदिओ सरकार तरफ निर्देशनामा रही मत्स्यजीवी मानक जावाक बारण कर दिखाई कि वर्तमान समय देखुं जो भाव बीच रे संपूर्ण भाव पर्यटकों कथा कहिबा विशेष भाव आंचलिक लोकों कथा कहिबा दुकान कथा कहिबा संपूर्ण भाव खोला रही जदियो किंतु मत्स्यजीवी माने आज संध्या सुधा जो माने समुद्र भितर को जाइछंती आज संध्या सुधा संपूर्ण भाव से आसवापी अनुरोध कर जो नोलिया मान नोलिया संप्रदायर लोक मैंने रही से माध्यम खबर पठा जाए समुद्र भितर को सेने केमती संध्या सुधा पहुँचे और गोटे गोटे बोट हुई वर्तमान समुद्र कूल को आसबार गोटे आम पाख सूचना मिलू अन्य पटे वर्तमान किसी समय पूर्वर ब्रह्मपुर रे जिला प्रशासन गोटे सांबादिक सम्मेलन होता एवं से सांबादिक सम्मेलन रे विशेष भाव जदिओ आज सन्धार झिपझिप वर्षा काली सका काली आसंता काली अर्थात 26 एवं 27 तारीख ए दुई दिन प्रबल वर्षा हेबो विशेष भाव दक्षिण ओडिशा जमीक गंजाम गजपति कंधमाल नयागढ़ ए सबू जिला को निश्चित भाव अधिक विपद रही विशेष भाव गंजाम गजपति रे वर्षार मात्राधिक बढ़ी पारे एमती कि गोपालपुर राडर जो अधिकारी माने किसी समय पूर्व आम आलोचना करूलु से कह मुताबक विशेष भाव पवन बेग टे जेहेतु अधिक र ताकू नहीं कि इवाकुएसन प्रोसेस आज जदि आरंभ होनी किंतु हुए तो आज राति कि सका आरंभ हो पारे आ विशेष भाव गर्भवती महिला मानू विशेष भाव चिन्हट कर आज जो जो वार्ड प्रत्येक वार्ड मानक नदीकूलिया ब्लॉक जो वार्ड गुड़िक रही से मानकर अंगनवाड़ी दीदी मानक आशा दीदी मानक निर्देश रोजे जो भाव से मैने जो गर्भवती महिला मान अच्छा से मैंने से हॉस्पिटल पाखा पाखी सही अंचल को आसी परिबे सेठी मते बात्या आश्रयस्थली कथा कोंतु बा स्कूल घर जहाको सफा सुथरा करबा पई मध्य पीतांबर निर्देश दिया जाई छी कारण आपण देखि चंती लॉकडाउन शटडाउन रे अनेक स्कूल एमिति रहितला जहा दिन दिन धरी मास मास धरी बंद रहितला वर्तमान परिस्थिति रे लोक जदी सेठा को आसीबे सेठारे किभली रहिबे से सबुर व्यवस्था करा जिबा मध्य दरकार हातरे मध्य कम समय रहिछि
स्मृति लग्न निश्चित भाव जदिओ आप जानती जितेबले तितली होता है से आशिका अंचल संपूर्ण भाव जलमग्न हो जाता एवं ता परवर्ती समय रे जदिओ हुड़ुहुड़ु आसी किंतु दक्षिण ओडिशा विशेष भाव प्रभावित होनी उत्तर ओडिशा रे विशेष भाव प्रभावित होतीक भी साइक्लोन आसी तो यही भितर निश्चित भाव बात्या आश्रयस्थल संपूर्ण भाव विपर्यस्त हो पड़ी ताकू नहीं कि वर्तमान आज गोटे दिन ही समय रही जिला प्रशासन पाखे आज गोटे दिन में ही सफा सुतरा करेंगे इलेक्ट्रिक जोगाइबे पानी जोगाइबे सब व्यवस्था को मध्य त्वरान्वित करने प्रत्येक ब्लॉक रो अधिकारी मानकु सूचना दिया जायछि एवं प्रत्येक ब्लॉक रो प्रत्येक तहसीलदार मानकु विशेष पिपिली आपण आज जानिछंती जे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान निर्वाचन प्रचार करबा पई जाउछंती एवं वर्तमान सेठा को बाहरी गले वर्तमान बड़ खबर आसी पहुंचुची नजर पकेबा पिपिली निर्वाचन मंडली अभिमुखे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज केन्द्रमंत्री पिपिली गस्त बीजेपी अनेक कर्मी रही जो मैंने उत्साह सहित सामिल होती कारण आज केन्द्रमंत्री केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रचार करेंगे ये सेमकर जो उत्साह रही आहरी अधिक द्विगुणित करमान पिस्थित आप देखिपार बैक राली कथा कहतु अथवा गाड़ी मध्यम समस्ते निज निज दल प्रचार करने जितेबाला लगी बीजेपी पाई केंद्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज प्रचार मैदान को ओह्लैबे जहाँ निश्चित भाव आशायी को निश्चित भाव बल देव ता सहित तो जो साधारण जनता अच्छा से भोट भिक्षा करने ठू आरंभ कर जो मैंने कर्मी अच्छा से उत्साह को द्विगुणित कर उत्तरा छक आज निजर प्रचार आरंभ करमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पिपिली प्रचार मैदान में ओह्लैबे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एथपाई से यात्रा मध्य आरंभ कर उत्तरा छक निजर प्रचार आरंभ कर बाबद अधिक आलोचना करवा रिपोर्टर प्रदीप्त आम सहित तो जोड़ी होती प्रदीप्त आज केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रचार मैदान को ओह्लैबे निश्चित भाव कर्मी भितर उत्साह उत्साह रहा स्वाभाविक तेज उत्तरा छक क्यों समय यह आरंभ हो जो प्रचार भाव स्मृति लग्न आप जो कथा कहले बर्तमान प्रचार आरंभ हो जाशा बैक राली मध्यम केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सीधा सड़क पिपिली एवं डेलांगर विभिन्न पंचायत बुलुंती प्रति छक लोक मैने पिपिलीवासी विशेषकर केन्द्रमंत्री को स्वागत करमंत्री सहित जी रही बीजेपी प्रार्थी आश्रित पटनायक सीए मध्य रही लोकंर आशीर्वाद नौकर कारण आप पूर्व जाथे जे किपर भाव दुई दुई थर पूर्व पिपिली उपनिर्वाचन स्थगित रही थे जी कांग्रेस प्रार्थी थे अकाल वियोग स्थगित रही गोटे आउ थे जो आम कहीपर जी जो कोरोनार महामारी जोपर भाव व्यापूला ताकू दृष्टि रखी बंद कराइला तेणु वर्तमान आउ मात्र तीन चार दिन समय कारण सेप्टेम्बर तीस उपनिर्वाचन भोट ग्रहण हम किंतु ता पूर्व समस्त दल बीजेडी बीजेपी कांग्रेस समस्त दल जोरदार प्रचार करसी विभिन्न प्रतिश्रुति दौंतु एटी प्रश्न उठू जे 35 वर्ष धरिकी जे थिले एठी विधायक दिवंगत विधायक प्रदीप महारथी पूर्वतन विधायक जे पिपिलीर थिले सी केते प्रतिश्रुति पालन करछंती 35 वर्ष भितर पिपिलीर विकास केते आग को जाई कारण जो चित्र आपण वर्तमान देखुछंती पिपिली अंचल चित्र एठी एबे भी गत 2019 रे जो बात्या फनी आसीला जो क्षय घटी अनेक लोकंर घर भांगी केते लोकंर फसल नष्ट होता नड़िया चाष जो मैंने करते से क्षति सही वर्तमान सुधा से क्षतिपूरण से मिली ना एवं भी अनेक लोक घर भांगी लोक वर्तमान से रुंट तेणु यही 35 वर्षर शासन यदि आम बीजेडी शासन कथा कह बीजेडी समग्र ओडिशा रे पाखापाखि 21 वर्ष धरिकी शासन रहा किंतु प्रदीप महारथी जी थे सात अर्थात जे मुख्यमंत्री रही अधिक समय धरिकी पिपिली से विधायक रही किंतु प्रकृत में पिपिली विकास होती कि प्रदीप तो आम यहा पूर्व गोटे झलक देखी आपड़ जानते पिपिली उपनिर्वाचन जो प्रथम पर्याय आरंभ होता जी कांग्रेस प्रार्थी थे अकाल वियोग बंद होता कितु सेतु आम देखीचु जिते बड़े ग्राउंड रिपोर्टिंग रिपोर्टर जाती जिते बड़े साधारण जनता गणमाध्यम सामने निजर प्रतिक्रिया रखती
ଫୋନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏ କଥା ବୟାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଅସନ୍ତୋଷ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛି। ସେ କଥାକୁ ପାଥେୟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି, କିଏ ଭୋଟରଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହେଉଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। निश्चित भाव में श्रुति लग्ना भू कैमेरा पर्सन सोना मंडल को कह भी सी देखे जे लोक के उत्साह रही बर्तमान जो प्रतिश्रुति एत वर्ष होगा पालन होना ताकू दृष्टि रखी पिपिलीवासी निहाती भाव में किसी पर चाहूँ बोली कहुपर कई जो चित्र आप बर्तमान देखुं भाव में केन्द्र प्रति पंचायत में जा लोक मानक प्रचार मैदान में ओल्लैबे और विशेष भाव में जो प्रतिश्रुति पालन कराईना कारण जिते भी निर्वाचन आसे सेत देखि था नेता मैंने लोक मानक जाती लोक मानते विभिन्न प्रतिश्रुति रखि था मैनिफेस्टो मध्यम होना जो रही था जो डोर टू डोर कैंपेन रही था घर पाखक जाती आम आपको आवास जोईदेबू आम आपको राशन कार्ड जोईदेबू आम आपर सब असुविधा मते कहतु बीजेपी अनेक कर्मी एमती भी समागम होते जड़े केन्द्र मंत्री गस्त के प्रभाव पकाए जिते आपत प्रचार करते रैली कर समय जड़े केन्द्र मंत्री आपण मैंने प्रार्थी प्रचार करवा ये कर्मी महोल रे बीजेपी शिविर केत उत्साह आनी देखती विशेष भाव में साधारण जनता जो मैंने आखि आगे देखिपारती जी केन्द्र मंत्री रही था जहाँ को सामने टी देखती निज घर सामने निज आखि आगे देखती से मित्र कौन मनोभाव आसे निश्चित भाव उत्साह अनेक रही कारण केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान केवल यही गोटे निर्वाचन समय कौन से जगह को आसिक प्रचार करना से पूर्व अनेक उपनिर्वाचन ठार आरंभ करी आम पाटकुरा देखी विजयपुर देखी एमती अनेक उपनिर्वाचन ता सहित 2019 और 2014 साधारण निर्वाचन समय देखी बीजेपी संगठन को मजबूत करने दिगरे केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अवदान के दल जहाँ रही बीजेपी भूल पार नहीं जपरी भाव दल को संगठित करने आरंभ कर केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जो सबू योजना गुड़िक रही लोक कल्याणकारी योजना गुड़िक रही सेगुड़िक विषय किपर भाव लोक मानक अवगत कर साधारण जनता तार लाभ उठाई पारे और लोकंर विकास हम सामग्रिक विकास हम अंचल विकास हम ताकू दृष्टि रखिक सबूत केन्द्र सरकार योजना प्रस्तुत कर योजना जिते बड़े लोकों पाखे ओडिशा रे पहुँच पार नहीं गोटे स्थायी सरकार रही एक बर्ष स्थायी सरकार रही किंतु लोकों पाखे पहुँची पार नहीं लोक क्या भोट दौंती संपूर्ण लोकंर व्यक्तिगत अधिकार मत उपरे निर्भर करे किंतु कौटि ना कौटि ए निर्वाचन को एथर फोनी क्षतिग्रस्त जो असंतोष रही प्रभावित कर निश्चित भाव में यही निर्वाचन अति गुरुत्व बहन करी राजनीति पिपिली राजनीति विशेष भाव में पिपिली विकास आग को क्यों दिगक जीव पिपिली विकास रथ आग को जीव ना पछक पुणी थे फेरी आसव निर्वाचन निहाती भाव में निर्णायक हेबी से कह जे रही पिपिली पूर्वतन विधायक तांको पुत्र एथर पिपिली छिड़ा होती निर्वाचन लड़ुं किंतु ये गोटे कथा आसुच्चे जे आश्रित पट्टनायक रही दीर्घ बर्षर अभिज्ञता रही से पूरी जिलार सभापति अच्छा किंतु जे रही रुद्र महारथी तांकर विशेष भाव में राजनैतिक अभिज्ञता आश्रित पट्टनायक ठारू कम एवं विशेष भाव में आश्रित पट्टनायक जो लोक संपर्क रही निहाती भाव गोटे प्रकार तापाई प्लस पॉइंट हम अर्थात यही निर्वाचन विजय ता तो भोटर मानक निर्भर करे क्यों भोटर क्या भोट देवे से मैंने क्यों प्रार्थी को बाछबे ता तो गोटे अलग कथा किंतु जिते बड़े गोटे कथा आसुच्चे एत वर्षर शासन भितर आम ये विकास देखिपारे ना गणमाध्यम जिते बड़े भी पिपिली को आसी भंगा घर देखी
ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଏଠି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାଲି ଅଧା ଅଧି ହେଇଯିବ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ପିପିଲି ବିଜେପି ଏବଂ ପିପିଲି ବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆସିଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ମଧୁପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଲି ଯେଉଁ ପିପିଲି ଯେଉଁ NH ରହିଛି ପୁରୀ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ରହିଛି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ? କାରଣ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ବା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଖୁସି ଆଣିଦିଏ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେବେ ପ୍ରଚାରରେ ଏ ଖୁସି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ? ପିପିଲି ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାଜା ବଜାଇ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗସ୍ତକୁ ନେଇକି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପିପିଲିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ଫୋନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ, ଏବଂ ଏ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଭୋଟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ କି ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନକୁ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଏହା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହୁଛି। ଉତ୍ତରା ଛକରୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତମାମ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହାତ ହଲେଇ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ହାତରେ ଆଉ କେଇ ଦିନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକଦମ ନିଜ ଜୋସ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ଏଥର ଫୋନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, କାରଣ ପୁରୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଫୋନିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମିଳିପାରିନାହିଁ ଫୋନି ସହାୟତା, ଯାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଏ ମୁଦ୍ଦା ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି। ଭୋଟରଙ୍କ ଆସ୍ଥା କ'ଣ ରହୁଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ସିଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ରହୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ରହୁଛି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ପିପିଲି ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଜୋରସୋରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ଗସ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ୍ ପିପିଲିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ବହୁତ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ମୁଣ୍ଡୁଳି ବୋଟ୍ ଟ୍ରାଜେଡି, ଏଯାଏ ମିଳିନି ନିଖୋଜ ଯବାନଙ୍କ ପତ୍ତା। ଗତକାଲି ଗଜରାଜ ମିଶନରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୋଟ୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଗତକାଲିଠୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏଯାଏ ତାଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳିନି। ଅନ୍ୟପଟେ ନରାଜ ନିକଟରୁ ଏକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଏହା ନିଖୋଜ ଯବାନଙ୍କର ନୁହେଁ ବୋଲି NDRF ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଫସି ରହିଥିବା ହାତୀ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିନାହିଁ। कल की घटना के बाद यहाँ पे हमने जो है सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है। सर्च ऑपरेशन कई जगहों पे चल रहे हैं, मुंडली ब्रिज के पास चल रहा है, नाराज बैराज के पास, और इसी तरीके से डाउन स्ट्रीम में कई जगह पे हमने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किए हुए हैं, और काठी जोड़ी में भी आगे भी और जोबरा में भी आगे भी कई जगह लॉन्च किया गया है। जहाँ जहाँ पर हमको चांसेस लग रहे हैं कि बॉडी कहाँ पर जो है मिल सकती है, उसके हिसाब से हम लोग प्लानिंग करके सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। हर जगह जो है 8 जो है बोट
ऑपरेशन में लगाई गई हैं। साथ ही साथ जो है ज़रूरत के हिसाब से रिजर्व में भी बोट रखी गई हैं। बट अभी फ़िलहाल जैसा मैंने बताया, जो चारों लोकेशन का मैंने जिक्र किया, जहाँ पे हमको उम्मीद है कि ये नदी की धारा और पानी के बहाव को, नदी के रास्ते को देखते हुए, उस हिसाब से जहाँ जहाँ हमको उम्मीद है वहाँ वहाँ पर 8 बोट लगाई गई हैं सर्च ऑपरेशन के लिए। समय बुलेटिन को एट रखा। नमस्कार।